हेलो गाइस, हाउ आर यू? आप सुन रहे हैं भारत शर्मा बाली को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर वही पुराना रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आता है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इसे ज़रूर क्लिक करें ताकि आप पा सकें मेरे अपडेट्स एज सून एज पॉसिबल, और अगर मैं बहुत इनफॉर्मली शॉर्ट में कहूँ तो एसएप, एज सून एज पॉसिबल, इसको शॉर्ट करेंगे तो बनेगा एसएप। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने इस कोरोना काल में जो ये शुरुआत की है, इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो पहली बार ही हो रही हैं और जिसके चलते कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उसमें एक परेशानी ये भी है कि चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ सामने आ जाती है। कल के वीडियो में एक शिकायत थी कि कमेंट नहीं खुल रहे थे, फिर उसके बाद वो खुल भी गए थे। आज भी थोड़ी देर के लिए शायद ये रहा, बाद में पता लगा ये वीडियोस एक्चुअली रिव्यू के लिए जाते हैं, उसके बाद कमेंट्स खुलते हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया। खैर, दौरान इसके मैं कुछ कमेंट्स को देख नहीं पाया, लेकिन आज जब मैंने नोटिफिकेशन में जाकर देखा तो कुछ लोग, कुछ वैल्यूएबल लोग जो वहाँ आए होंगे, उन्होंने कमेंट किए होंगे। और जहाँ लिखा था कि नो लॉन्गर नाउ, उनके मैसेज एक्सपायर कर गए। मिस्टर पुष्पेंद्र, आर्यनवर्धन, कुछ के मैं मैसेजेस को नहीं पढ़ पाया, शायद कोई टाइम स्पैम होगा जिसमें ये एक्सपायर कर जाते होंगे। कोशिश करूंगा ये कमेंट्स लाइफ टाइम बने रहें ताकि हम कभी भी इन पर चर्चा कर सकें और आपकी बात के जवाब आपको दे सकें। जो लोग भी सुन रहे हैं और जिनके कमेंट्स के मैं जवाब नहीं दे पाया हूं या उनसे बात नहीं कर पाया हूं, तो वो प्लीज़ एक बार फिर से अपने कमेंट बॉक्स में आके, वरना मैंने आपको अपना नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो नंबर है उस एक कॉलिंग कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा एक छोटा मोटा डिस्क्रिप्शन, हम आप काम की बात करें। और इन दो वीडियोज़ में जिन स्थिति में मैंने एक बात को समझाने की कोशिश की बिना किसी टेंस के, क्या कंटिन्यूस टेंस है, क्या इनडेफिनेट प्रेजेंट और पास्ट, इनडेफिनेट और व्हाट, आई डोंट नो। मेरे ख्याल है आपको भी सारी चीज़ें चकराती हैं, परेशान करती हैं। हम परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं, परिस्थितियों पर आधारित जिन चीज़ों को हम आँखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उन हालात में हम क्या और कैसे बोलते हैं वो शब्द। हम देखिए, हम पूरे दिन में जो हिंदी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी समझते हैं, हम उसको हिंदी कहते हैं और हिंदी बोलते हैं। अगर हम गौर से देखें तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो हिंदी है ही नहीं, उसमें इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी के ही नहीं हैं, लेकिन हम उनको हिंदी ही कंसीडर करते हैं। मतलब हम बात करते वक्त इस बात को नहीं तवज्जो देते कि वो भाषा क्या थी, हम तवज्जो देते हैं कि जो मैंने बोला वो कम्युनिकेट हुआ क्या। कम्युनिकेट होना मतलब आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाना नहीं, आप जो बात समझाना चाहते थे उनको वो बात समझा देना, मतलब ये कम्युनिकेशन आपका पूरा हो जाता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश के वक्त हम इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे रूटीन में नहीं है। ये सब मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, इनको रूटीन में लाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब हिंदी में अभ्यास, मतलब एक कार्य जिसे हम बार 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 करें तो वो हमारे रूटीन में आ जाता है। उसको हम इंग्लिश की तरह ना करें, बस एक आदत बना लें। ऐसे तमाम सारे शब्द हैं जिनकी हिंदी हमको आज नहीं आती, उनको हम इंग्लिश में ही यूज़ करते आए हैं और इतना यूज़ करते आए हैं कि आज उसे हम हिंदी का ही मान बैठे हैं, हम हिंदी का ही मानते हैं। सिलेंडर वर्ड बोलते हैं, ये सिलेंडर वर्ड हिंदी का है कि इंग्लिश का? लेकिन इसे कौन सिलेंडर की जगह कुछ और बोलता है, ज़रा मुझे बताएं आप। सभी लोग तो सिलेंडर बोलते हैं, तो फिर क्यों हम हर जगह ये सब करने की कोशिश में, जैसा हमने सुना और जिन हालात में सुना, अगर मेरे साथ वो हालात पेश आते हैं तो मुझे उनको बोल देना चाहिए। उसी तरह से बस सिंपल मैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर जाता हूँ, इसमें सीखने सिखाने जैसी या परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। चलिए, तो उस अभ्यास को पूरा करने के लिए एक हिम्मत, जो मैंने कहा था आपसे, हिम्मत अपने आप से, आप जो अपने आप से शर्माते हैं उस शर्माने को बंद करना होगा। अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक बार बोलें हेलो, आर यू ओके, अरे ओके विद इट, आपको लगेगा यार पता नहीं, इधर पापा बैठे हैं, उधर भैया बैठा, ये लोग कहेंगे पागल हो गया, हो गया कोई बात नहीं। लेकिन आप बोलिए एक बार जरा हेलो, ओके, मुझे नहीं मालूम आपने बोला कि नहीं बोला, उम्मीद करता हूँ बोला होगा, और अगर नहीं बोला है तो आप अपने आप से बेईमानी कर रहे हैं। खैर, लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। मैंने कहा था कि जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं आज बोल सकता हूँ सेंटेंस को, और सुबह से शाम तक जब सोकर जागता हूँ और रात को जब सोता हूँ, इतने बीच में मैं तमाम सारे काम करता हूँ,
और उस दौरान यदि मुझसे कोई पूछ ले या मुझे किसी को बताना चाहूँ मैं और बताने की ज़रूरत पेश आए तो उस सबको मैं इंग्लिश में अब बोल पाता हूँ और बोल सकता हूँ। नहीं बोलता हूँ वो अलग बात है, लेकिन बोल सकता हूँ क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। ये मैं आप ही के लिए कह रहा हूँ, मैं आप बोल सकते हैं आई एम, और वो जो भी काम है बस उसकी इंग्लिश आती होनी चाहिए आपको, हो जाएगा। बहरहाल हमने शुरुआत की थी कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से। आपको आप देख पा रहे थे एक लड़का बड़े जॉली मूड में ऐसे हाथ ऊपर किए हुए, साफ दिख रहा है कि ये डांस कर रहा है, और मैंने एज्यूम किया जैसे ये मैं हूँ और मैं ऐसे कर रहा हूँ। उधर से बहन आती है, भाई आता है, मम्मी या कोई भी, क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो ये, और आपने बताया आई एम डांसिंग। अब अगर आप इसे ये सोच के कि मैं एक ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, शब्द को बोलना ट्रांसलेट करना एक बात होती है और उसको महसूस करके अदायगी करना, उसके डिलीवरी करना, उसको कम्युनिकेट करना, उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना अपनी उसी खुशी के साथ, उसी गम के साथ, उसी दुख के साथ या उस एनर्जी के साथ जो एनर्जी आप अंदर महसूस कर रहे हैं। आपने कहा आई एम डांसिंग, आपने खुश थे तभी तो डांस कर रहे थे और उसी खुशी के साथ आपने बताया आई एम डांसिंग। लेकिन अगर तभी पापा आ गए तो आप सहम गए, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, तब आपकी खुशी तो हो जाती है काफूर और रह जाता है केवल सेंटेंस, और आप कहते हैं आई एम डांसिंग और शायद इसी तरह की कुछ बातें, लेकिन सेंटेंस वही रहेगा। अब उसकी अदायगी सिचुएशन के हिसाब से, अब वो सिचुएशन मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो किसी भी भाषा में, अगर आप खुश हैं तो उस खुशी का इजहार हर भाषा में एक जैसा है, आपका अपना है। आपके अपने लोग समझते हैं कि आप खुशी होते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, किस तरह का आपका पिच लेवल होता है, आवाज़ की तारम्यता क्या है, कितनी ऊंची कितनी नीची होती है, आपके चेहरे की भाव भंगिमाएं क्या होती हैं। ये चेहरे पे आने वाली भाव भंगिमाओं को ये भी कुछ कहती हैं, पढ़ने वाले लोग इसे पढ़ लेते हैं, इनको जेस्चर बोलते हैं। तो जब आप सेंटेंस बोलें तो वो सेंटेंस आपके जेस्चर्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ होना चाहिए, तब वो एक्चुअली एक बात बनती है, वरना वो महज कुछ शब्दों का एक जाल होता है, एक जखीरा होता है जो सामने वाले को कुछ भी टेस्ट नहीं दे रहा होता। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बातों से इम्प्रेस्ड हो, वो महसूस करे, तो उसको महसूस कराना होगा, उसमें कोई स्वाद होना चाहिए। तो वो सारे मिर्च मसाले डालकर फिर से एक बार बोलेंगे आई एम डांसिंग, और इन सबको बोलते रहेंगे आप मेरे साथ, और आज इन सारे वर्ड्स को नोट भी करते चलिए। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे आई एम डांसिंग, ये तब का जब आपने महसूस किया कि ये मैं हूँ, आपने देखा ये मैं नहीं हूँ, मेरा फोटो ऐसा है ही नहीं, ये तो आप हैं सर, एज्यूम करिए ये ऐसी हेयर कटिंग, ये सर ना ये सर हैं सर, ये हेयर कट सर का ही हो सकता है शायद। तो आपने मुझे बताया सर यू आर डांसिंग, लेकिन यही अगर आप जानते हैं कि ना तो मैं हूँ और सर को तो मैंने देखा है वो भी ऐसे नहीं है, मतलब ये जो लड़का डांस कर रहा है ये ना तो मैं हूँ ना तो सर है, ये एक लड़का है। ओके, अ बॉय इज डांसिंग, एक लड़का डांस कर रहा है, अ बॉय इज डांसिंग, ये लड़का डांस कर रहा है, दिस बॉय इज डांसिंग। लेकिन आप ये जानते हैं अगर कि यार ये तो मोंटी है, और सर जानते हैं इसको, हमारी क्लास में तो था, आपने मुझको बताया सर मोंटी डांस कर रहा है, अब वो बॉय डांस कर रहा था तो बॉय इज, मोंटी कर रहा है तो मोंटी इज, और अगर वो आपका भाई है तो सर माय ब्रदर इज, और अगर वो मेरा बेटा है तो आपने कहा सर योर सन इज, मतलब वो कोई भी है लेकिन वो आप और मैं तो नहीं है कम से कम, जबकि कम्युनिकेशन बातचीत आपके और मेरे बीच हो रही है, तो वो जो तीसरा जो कोई भी है उसके साथ ना तो एम आएगा ना आर आएगा, उसके साथ इज आएगा, और पहले या तो उसका कोई नाम होगा या तो उसका हमारे साथ कोई रिलेशन होगा, उस रिलेशन का भी कोई ना कोई नाम होता है। अगर वो मेरा दोस्त है तो मैं कहता हूँ माई फ्रेंड इज डांसिंग, माई ब्रदर इज डांसिंग, माई स्टूडेंट इज डांसिंग, माई सर इज डांसिंग, वो जो भी है लेकिन वो है कोई तीसरा, उसके साथ इज ही आएगा। तो बहरहाल ये बहुत छोटी सी बात है, इसे जब समझाने की कोशिश की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो हमको ये एहसास होना लाजमी है कि हाँ इसमें क्या, ये तो आसान है, लेकिन एक्चुअली ये आसान चीज़ होती नहीं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था बहुत आसान है ये बोलना 9412303073, लेकिन फिर भी
ये आसान नहीं लगता हमको। हम कंफर्टेबल हैं 94, 12, 30, 30, 73 के लिए। इस जो गैप है, इस गैप से बाहर आना होगा, इसको कवर अप करना होगा। अगर ये वाकई में आसान है, आप मुझे बताएं, जो मैंने आपको समझाया कि ये डांस कर रहा है, ये आसान है कि नहीं है, तो एक बार जरा जोर से बोल के बताइए। जिन लोगों से आज आप डर रहे हैं, वो डर है या शर्म है, हया है, हिचक है, हेजिटेशन है, उसको कौन मारेगा? आपके हेजिटेशन को आपको ही मारना होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आपको कौन सुन रहा है, लेकिन एक बार जोर से मेरे साथ बोल दीजिए, आई एम डांसिंग। अच्छा, आप कर रहे हैं, बोलिए यू आर डांसिंग। मैं कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग। इस तरह से आप अभी जो भी आगे आप पिक्चर्स देख रहे होंगे, उनमें कैप्शन में लिखा भी हुआ है, इनके ऊपर जो बने हुए हैं ना ये, और वो एरो आ रहा है उनकी तरफ कि भाई ये इसको बोल रहा है ऐसा, तो उसे आप देखेंगे तो ये जो है इसको कैप्शन बोलते हैं। तो कैप्शन में लिखी लाइन को बोलकर, जोर से बोलकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। आगे कोई और भी तरीके आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल आज ये तो करना ही है आपको। कल अगले वीडियो के साथ जब मिलें, उससे पहले ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आज आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम बार बार पिछले वीडियोज़ को अगले वीडियोज़ में बिल्कुल भी लिंक नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा और आपके लिए बहुत उबाऊ पकाऊ हो जाएगा। खैर, सो आई एम डांसिंग, यू आर डांसिंग, ही इज डांसिंग। दो दोस्त बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये दोनों थोड़ा चेहरे से भी दुखी से लग रहे हैं। एक को पता लगा है कि यार वो दूसरा है ना, वो जा रहा है कल, यार या अभी जा रहा है। ये ना हम फ्यूचर के लिए भी देखिए, अगर टेंसेस की बात करेंगे तो टेंस कहते थे फ्यूचर टेंस, उसमें विल का शैल का इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं है। आप फ्यूचर के लिए भी आप हिंदी में देखिए, आप ऐसे बात करते हैं जैसे कोई एक्टिविटी जारी हो, जैसे अभी उसी ने पूछ लिया है, दो दोस्तों को जो आप देख रहे हैं, इसमें से एक दोस्त दूसरे से कह रहा है अरे यार आप जा रहे हो कल। हम देखें ये टोन, जा रहे हो, ये टोन है आप जा रहे हो, और दूसरा सेंटेंस आप जा रहे हो, ये दूसरा जो सेंटेंस मैंने बोला ओहो आप जा रहे हो, ये साफ दिख रहा है कि मैं जैसे बता रहा हूँ कि आप जा रहे हो। और जब पूछने का स्टाइल बदल जाता है, शब्द वही रहते हैं, आप जा रहे हो, ये सवाल हो गया। और सवाल किस तरह बनते हैं इसे आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस दोस्त ने इसे पूछा, हे यू आर लीविंग टुमारो, क्या कल आप छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे हैं मतलब इस जगह को छोड़ेंगे, मतलब आप जब जगह छोड़ देंगे तो कहीं जा रहे हैं, कुछ इस तरह से, मतलब यू आर गोइंग, ये कुछ उस तरह की सेंस है, यू आर लीविंग टुमारो। और उधर से जवाब आता है यस आई एम लीविंग, यस आई एम लीविंग। या अगर हो सकता है, अब हमें नहीं पता, एक कैप्शन यहाँ है भी नहीं, वो कैप्शन आप बना सकते हैं। उसने कहा हे यू आर लिविंग टुमारो, उसने कहा नो एक्चुअली माय पापा इज लिविंग टुमारो, या माय ब्रदर इज लिविंग टुमारो, ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया और वट एवर वेयर एवर, राइट। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे इसको। आप ये वाली लाइन नहीं बोलना चाहते, कुछ और लाइन आपको समझ आ रही है प्रैक्टिकली, मेरी बताई हुई चीज़ों पर प्रैक्टिस मत कीजिए, जो सिचुएशन आपके साथ बनती है उन पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपके सामने वाला कुछ ना कुछ कर रहा है, और आप कई बार अपने सामने वाले को बताते हैं कि जी वो ऐसा कर रहा है। तो इन तीनों हालात में इंग्लिश बोलने से चूकिए मत, अगर आप चूके तो मेरी क्लासेस छोड़िए, माँ सरस्वती भी नीचे उतर आए तो वो भी आपसे नहीं बुलवा सकती, क्योंकि मुँह आपका है, ज़ुबान आपकी, इच्छा आपकी, आप अपनी इच्छा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो फिर उस इच्छा के साथ अपने प्रयास भी लाएँ, किस्मत को आड़े ना लाएं कि मेरी किस्मत खराब है, और अपने बुद्धि को दोष ना दें कि मैं कमजोर हूं। खैर आगे बढ़ते हैं, एक बार करें फिर देखें, आप नतीजे आपको नजर आएंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, गोइंग टू बाली, मैंने बताया था बाली एक जगह टूरिस्ट पैलेस है, उस टूरिस्ट प्लेस पर बहुत लोग जाते हैं घूमने फिरने, तो आप भी जा रहे हैं, बता दीजिए आई एम गोइंग टू बाली। किसी को आपने टिकट दिया, आपने किसी को एकदम सरप्राइज दिया कि आप ना बाली जा रहे हो, ये लो टिकट, यू आर गोइंग टू बाली। आपको पता लगा यार मेरे बड़े भाई साहब ने जॉब करते हैं, उनको बाली टूर मिला है, बाली का टूर मिला है, बाली जाने को मिला है, और कंपनी की ओर से उनको सब पैकेज आया, तो आपने कहा माय भैया इज गोइंग टू बाली। अगला कैप्शन आप देखें, ये तो आपको शुरुआत से देख रहे हैं, उस दिन भी ये लड़का क्रिकेट खेल रहा था, पता नहीं कौन है ये, आपका दोस्त तो नहीं है कहीं, अगर आपका दोस्त है जरा बोल दीजिए कैसे बोलेंगे, आपका दोस्त है माय फ्रेंड, आपका है, आप अपना माय करिए, मेरा नहीं, माय फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा जी आपका नहीं है, अगर मेरा है तो आप मेरे से कह देंगे सर योर फ्रेंड इज प्लेइंग क्रिकेट।
अरे कोई फ्रेंड व्रेंड नहीं है तो आप ही हैं यार, अब आप बताइए कैसे बोलेंगे। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और हाँ हाँ मैंने देख लिया आप खेल रहे हैं यार, हे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आई नो इट। खैर प्रैक्टिस कीजिएगा, केवल मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, मेरी ज़ुबान चल रही है। अगर मैं जिम में जाकर डंबल्स उठाता हूँ या कोई भी मशीन यूज़ करता हूँ, वहाँ वर्कआउट करता हूँ, तो उस वर्कआउट के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे, एनहांसमेंट होंगे, आपकी बॉडी में नहीं। केवल देखते रहने से नहीं हो सकता, वो आपको करना ही होगा। चलिए क्रिकेट हो गया, वॉक द डॉग मैंने बताया था आपको, अगर आप कुत्ता पालते हैं, कोई जानवर पालते हैं तो उसको सुबह शाम टहलाना भी होता है, उसको लेकर आप बाहर निकले, इतने में फ़ोन आता है, कहाँ निकल गए, कहाँ हो? आपने कहा यही कॉलोनी में हूँ और मैं इसको टहला रहा हूँ। आई एम वॉकिंग द डॉग। ये आर्टिकल्स को लेकर ज़्यादा परेशान मत रहिएगा, एक सवाल आया था शायद सुनील सर का था कि आर्टिकल द को पढ़ाइएगा। एक्चुअली अभी शुरुआत में मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, मेन चीज़ जो मैंने आज आपसे अभी भी बात की है, ये आप अपने आप को अंदर से खोलिए, जो आवाज़ निकलती नहीं है उसको निकालिए। ये करेक्शन और इनकरेक्शन के बीच में जो है ना थोड़ा गड़बड़ है, हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि गलत तो नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। आप देखेंगे बहुत सारे सेंटेंस में आपको आगे चल के जब आर्टिकल द के बारे में बताऊंगा, तो पहले तो यही कन्फर्म करेंगे अपन कि ये द होता है कि दी होता है, ये भी एक फैक्टर है। इसके बाद ये कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, कई बार ये सेंटेंस में होता भी है और नहीं भी होता है। होता है तो उसका ये मायना है और जब नहीं होता तो उसका ये मायना है। मतलब ये कहना कि यहाँ द करेक्ट है कि नहीं, पता लगा द है तो भी करेक्ट है और द नहीं भी है तो भी वो सेंटेंस करेक्ट है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये आर्टिकल अपने आप में एक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन इन सब की बात हम तभी कर सकते हैं जब एक बार आपके अंदर का ये हेजिटेशन मर जाए और आप बात करने वाली कंडीशन में आ जाएं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आप मुझे फ़ोन करेंगे तभी क्लियर हो पाएंगे, उनको इस तरह से केवल एक तरफा बोलकर ये मोनोलॉग से नहीं होगा संभव। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे सुनील जी। सो वॉकिंग द डॉग, अरे यार भैया अभी तो यहीं बैठा था, कहाँ गया बेटा? ऐसा पापा ने बेटी से पूछा, भैया अभी तो यहीं था, कहाँ गया? बहन ने बताया कि पापा, अब पापा सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, पापा को बोलकर उसने एड्रेस किया, पापा भैया इज वॉकिंग द डॉग, भैया कुत्ते को टहला रहा है, बात हो गई। इसके बाद एक बहुत रोज़मर्रा की हमारी क्रिया है नहाने की, आई एम टेकिंग बाथ। पापा दिख नहीं रहे, माँ ने पूछा देखो पापा कहाँ हैं, जरा अचानक आपको पता लगा पापा तो अभी अभी नहाने के लिए गए हैं, आपने मम्मी को बताया पापा इज़ टेकिंग बाथ। द सेम लाइक वी कैन टॉक अबाउट दिस टी, रियली आसान है, इसमें कहीं कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि हमको इसको उतना ही नॉर्मल कंडीशन में बात करनी है, उतना ही इजी वे में बात करनी है जैसे कि हम बात कर रहे हैं। इसको पढ़कर सेंटेंस की तरह बोलना नहीं है, मतलब इसको पढ़ना नहीं है, इसको महसूस करके बोलना है, स्टाइल के साथ बोलना है, राइट? अब जैसे मैं देखिए ये कॉन्वर्सेशन है, ये कैसे फ़ोन कॉल आ गई है इनकी, ये फ़ोन पर कुछ बात कर रहे हैं, तो आप देखें तो अगर मैं पढ़ा हुआ लिखा हुआ सेंटेंस को पढ़ूं तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, नो इट्स नॉट अ वे। फ़ोन आया, अभी इधर से जवाब दिया आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, कुछ भी इस तरह का सेंटेंस बोला, तो हमको ये समझ आ जाता है जब इस बंदे ने बोला है तो इसका मतलब उधर से पूछा गया होगा कि आजकल क्या कर रहे हो आप, और उसका जवाब है कि आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, टॉकिंग टू माई ब्रदर। ये क्या हुआ, ये जब फ़ोन पे उसने किसी से कहा ना आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो साथ में एक व्यक्ति चल रहा है, उसने पूछ लिया उससे क्या है, किससे बात कर रहे हो, कौन है, तो उसने बताया आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। और फिर साथ ही साथ उसने फ़ोन को होल्ड पे रख के ये भी बताया, ये तो बताया ही कि मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, और आपको ये भी बताया कि यू नो माई ब्रदर इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश नाउ डेज, मेरा भाई आजकल इंग्लिश में बात कर रहा है, माई ब्रदर इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश नाउ डेज। ये स्पेलिंग देख रहे हैं बाद में, नाउ डेज मतलब आजकल, आजकल तो ये हुआ है, आजकल तो मैं वो कर रहा हूँ, नॉर्मली आप क्या करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आजकल मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आई एम और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आई एन जी लगा कर बोल देंगे और लास्ट में लगा देंगे नाउ डेज, आजकल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ नाउ डेज आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आजकल मैं मूवीज़ देख रहा हूँ नाउ डेज आई एम वॉचिंग मूवीज़,
आजकल मैं लूडो खेल रहा हूँ. आई एम प्लेइंग लूडो नाउडेज. ठीक है, ये एक आसान तरीका है. खैर, यू आर टॉकिंग इन हिंदी. और उसी फ़ोन वाले ने जो फ़ोन पे बात कर रहा था, जिसने क्वेश्चंस किए कि कौन है फ़ोन पे वगैरह वगैरह, उसने बताया मेरा भाई ये आजकल इंग्लिश बोल रहा है, और उसने इसको टोक दिया. अरे यार, आप तो हिंदी बोल रहे हैं. यू आर स्पीकिंग इन हिंदी. यू आर स्पीकिंग इन हिंदी. ओके, चलिए, उम्मीद करता हूँ इन सारे रूटीन्स को आप एक बार करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बात करें प्लीज़. मुझे व्हाट्सएप पर आकर बात करें प्लीज़. मुझे कॉल करके बात करें प्लीज़, ताकि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पर किस तरह से हो. मेरे पास तो अपना एक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग चलूँ. आप सभी लोग अपने कमेंट्स में अपने मेरे को मैसेजेस भेजकर बट बताइए, ताकि एक उबाऊ चीज़ ना हो. मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहीं आपको बोर तो नहीं कर रहा, कुछ तो मुझे बताइए. इतना न्यूट्रल रहकर काम नहीं चलेगा. ओके, अच्छा लगा. मेरा ख्याल है एक अच्छा टाइम का हम यूज़ कर ले रहे हैं. अच्छा, एक प्रियंका सुहेल, इनका भी था कि सर समझ में आ जाती है इंग्लिश, लेकिन बोलते टाइम, मैंने बताया बोलते टाइम वही प्रॉब्लम है कि हम अपने आप से नहीं लड़ पा रहे हैं, अपनी हेजिटेशन से नहीं लड़ पा रहे हैं. अभी जो मैंने आज प्रैक्टिस करने का तरीका बताया, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, वरना आईने के सामने बैठ के. अब जब मैं ऑफ करता हूँ, इसके बाद आप आईने के सामने बैठ कर प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये भी एक तरीका हो सकता है. प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है. पूरी बातें इंग्लिश में नहीं होती, कोई बात नहीं. जितना सेंटेंस, जितनी बातें, आई एम जस्ट कमिंग, अब मैं आ रहा हूँ, इतनी बात तो आप बोल ही सकते थे. मुझे नहीं पता, अब ये बात आप इंग्लिश में बोलना नहीं जानते तो मत बोलिए, लेकिन मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, ये तो बोल सकते हैं ना. तो धीरे धीरे करके जो जो हम सीखते जा रहे हैं, उसको हम अपनी रूटीन में लेकर आएंगे. चलिए, वेरी वेरी नाइस मीटिंग, नॉट मीटिंग बट नाइस टॉकिंग विद यू अगेन द सेम. प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.